Hey, मैं इसे खोलूं कि नहीं खोलूं? आपको इसे खोलना चाहिए डॉक्टर बाइनॉक्स। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर बाइनॉक्स। ओह, ये तो बादल हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं डॉक्टर बाइनॉक्स। जल्दी अंदर जाओ, मैं फटने वाला हूँ। तुम भी ना निम्बस ट्रैटस, काबू नहीं है खुद पर, हमेशा बरसते रहते हो। हे, आपको ये शब्द समझ आया? निम्बस ट्रैटस? वेल, ये एक तरह का बादल है और आज मैं आपको तरह तरह के बादलों के बारे में बताने वाला हूँ। ज़ूम इन। बादलों को बांटा जा सकता है तीन तरह के अलग अलग समूहों में। निचले बादल, जो 6500 फीट से नीचे होते हैं। बीच के बादल, जो 6500 से 20,000 फीट के बीच होते हैं। और ऊंचे बादल, जो 20,000 फीट से ऊपर होते हैं। वापस जाओ, वापस जाओ। अरे नहीं, आप मिस्टर क्यूम्युलोनिम्बस को धक्का क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो सारी श्रेणियों में आने की कोशिश कर रहा है। ओह, वो इसलिए क्योंकि क्यूम्युलोनिम्बस एक ऐसा बादल है जो इतना बड़ा है कि तीनों श्रेणियों में बड़े आराम से रह सकता है। देखा, मैंने कहा था ना। और हमें इसे नाराज नहीं करना है क्योंकि इसे जाना जाता है थंडरस्टॉर्म क्लाउड। ये है क्यूम्युलस बादल और इस तरह के बादल हम सबसे ज्यादा देखते हैं। ये अक्सर सुबह सुबह दिखता है, बड़ा होता है और फिर शाम को दोबारा गायब हो जाता है। ये निचले स्तर के बादल हैं जो अक्सर गोभी जैसे दिखते हैं। स्ट्रैटोक्यूमुलस बादल, ये दिखते हैं हनीकॉम्ब राउंड मासेस या रोल्स जैसे। ये होते हैं निचले फूले हुए सलेटी या सफेद जैसे बादल जो दिखते हैं पैचेस में और इनके बीच में दिखाई देता है आसमान। और ये भी निचले स्तर के बादल होते हैं। अल्टोक्यूम्युलस, ये बीच के स्तर का एक बादल है जो दिखता है सफेद या सलेटी जैसा। ये सबसे आम बादल है जो अक्सर दूसरे बादलों के साथ भी दिखता है। और ये तो मेरा मनपसंद है, ये है निम्बोस्ट्रैटस बादल, जिन्हें कहा जाता है लगातार बरसने वाले बादल। ये होते हैं गहरे सलेटी जो बिखर जाते हैं बारिश या स्नो से, और इतने घने जो सूरज को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये भी बीच के स्तर का बादल है। अब बात करते हैं ऊंचे बादलों की, जिनमें सीरस सबसे आम बादल है। जब ये बादल सूरज को पार करते हैं तो सूरज की रोशनी बिल्कुल भी कम नहीं होती। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सीरस अक्सर होता है चमकीले पीले या लाल रंग का। सीरोक्यूम्युलस बादल ऊंचे स्तर के बादल होते हैं जो बने होते हैं बहुत ही छोटे तत्वों से, जो दिखते हैं दाने या लहरों जैसे। ट्रिविया टाइम। एक औसत क्यूम्युलस बादल का वजन 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा हो सकता है। फॉग असल में स्ट्रैटस श्रेणी का बादल है जो हमारी धरती के बहुत ही ज्यादा करीब होता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर बाइनॉक्स ज़ूमिंग आउट। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और फन फैक्ट्स के साथ।